मैम कैसा रहा जीएस पेपर 3? बढ़िया सर, बता दीजिए। बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? पूरे क्वेश्चन। थैंक यू। कैसा रहा मैम जीएस पेपर 3 आपका? ये नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन पिछली बार जो आए थे वैसे रिपीटेड थे कुछ? आप देखेंगे दोस्तों, आज UPSC CSE 2024 का जो मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, आज तीसरा दिन है। आप देखेंगे यहाँ पे तो जो स्टूडेंट हैं वो दे करके आ रहे हैं पेपर 3 GS का, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो भी रुकेंगे उनको कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, रोकने की कोशिश करूँगा। मैम कैसा रहा GS पेपर 3? बढ़िया सर, बता दीजिए। बढ़िया सर, बढ़िया। ओके, इधर और स्टूडेंट आएंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कैसा रहा GS पेपर 3। कैसा रहा भैया GS पेपर 3? कैसा रहा GS पेपर 3? ठीक था। क्वेश्चन पिछली बार जो आए थे वैसे रिपीटेड थे कुछ? फर्स्ट बार दिया है क्या? नहीं। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट? सेकंड। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट को जो इस बार प्रीलिम्स में फेल हो गए थे, जिनका नहीं हो पाया था, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए? PYQ नहीं देखे, PYQ से था, पर कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, एक्सपेक्टेड ही था, मतलब नॉर्मल एरिया से ही था, ऐसा कोई नहीं था, ये कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ऑप्शनल क्या था? सोशियो। ओके, थैंक यू, शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट से हमने बात की है और कुछ और स्टूडेंट से हम बात करेंगे। कैसा रहा मैम GS पेपर 3 आपका? ये नहीं बोल रहे हैं, ये दोस्त आ रहे हैं। कैसा रहा भैया GS पेपर 3? अच्छा था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? पूरे क्वेश्चन। थैंक यू भैया। कैसा रहा आपका? आपने दिया था कि आया नहीं? दिया था। कैसा रहा GS पेपर 3? थोड़ा टफ साइड था। फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या आपका? ये मेरा सेकंड मेंस था। और जो आपने कल एग्जाम दिया था वो कैसा रहा? हाँ, वो भी एवरेज था, ठीक था वो। थैंक यू भैया, आप रुके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कैसा रहा? इट वाज नाइस। कैसा रहा दोस्त आपका? अच्छा था आज का पेपर, ठीक था। और कल वाला? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? छठवा मेंस है। छठा मेंस है आपका? सेल्फ स्टडी से ही कर रहे हैं क्या? तभी तो छलक गए वो, चल रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ, ये भैया के पास अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। बस एक मिनट भैया, ये बताइए, जैसे आपका छठा मेंस था तो आपका प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई हो जाता था सेल्फ स्टडी से, तो ये क्या टेक्निक थी? जैसे नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं प्रीलिम्स पढ़ता नहीं हूँ, फिर 2 महीने पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, वर्किंग भी है आप, तभी 2 महीने पढ़ता हूँ तो मेरा मेंस निकलता नहीं। इस बार ठीक हो रहा है, अभी तक तो ठीक हो रहा है। तो मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम वर्किंग होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं, आप पढ़ते नहीं, और जब भी तो 2 महीने तो पढ़ो। अच्छा, प्री के लिए? हाँ। पता नहीं क्या है, मुझे लगता है गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि यही होगा, इसका आंसर वही होता है। भगवान की कृपा है आपको, बोल सकते हो कहाँ से हो आप? 3140 आते हैं ग्वालियर का। और आपका ऑप्शनल क्या है? सिविल है मेरा। आपने नाम क्या बताया था? राहुल शर्मा। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया है? IIT वाले स्टूडेंट ही बाजी मार रहे हैं सर आजकल, ऐसा मेरा तो नहीं हो रहा ना मेरे। नहीं, आपका भी होगा। तो हो गया, नहीं हो जाऊँ, मेरा आखिरी है, जो भी होगा ठीक है। लास्ट बचा है आपका, ये लास्ट में खड़वा चलिए आपका, अब हिम्मत भी नहीं है, मन भी नहीं है। नहीं, आप दे रहे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं, और आपने अपना बेहद कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप खा रहे थे, उसके बावजूद भी धन्यवाद सर आपके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो स्टूडेंट मिलेंगे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा आज का? ठीक था। और कल वाला? ठीक था। आप कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह आपने किया है? मेरा ग्रेजुएशन NIT अगरतला से है। और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? MTech मैंने IIT खड़गपुर से किया था। IIT वाले ही बाजी मार रहे हैं, तो आपको लगता है रिजल्ट में चांस है थोड़ा? क्वेश्चन का लेवल कैसा था GS पेपर 3 का? GS 3 का ठीक था, मुझे तो ठीक लगा। ये आपका मतलब पहला ही अटेम्प्ट था? मेंस मेरा पहला है, बाकी 3 बार दे चुका हूँ मैं। प्रीलिम्स आपने सेल्फ स्टडी से ही किया था क्या? नहीं, पहला मैं सेल्फ स्टडी से किया था, फिर कोचिंग लिया था। थैंक यू सर, आप जाइए, धन्यवाद आपका। बाकी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।